दोस्तों आज हमारे पास आपको बताने के लिए दो ज्वलंत खबरें हैं जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, थंबनेल देखकर आपको थोड़ा अंदाजा तो लग गया होगा। आइए आपको शॉर्ट में बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, इस जंग में रूस के सिर्फ तीन टारगेट है, पहला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, दूसरा उनकी पत्नी और तीसरा रुसलान स्टेफानचुक। बने रहिए हमारे साथ, आपको हम बताएंगे कि ये रुसलान कौन है और आखिर पुतिन इन तीनों लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं और पुतिन खासकर जेलेंस्की की पत्नी और रुसलान को क्यों मरवाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पुतिन यूक्रेन का राष्ट्रपति अपने एक वफादार को बनाना चाहते हैं जो कि पहले भी यूक्रेन का राष्ट्रपति रह चुका है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका ने जोश में आकर अपने परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बॉम्बर का नाम B-52 है। बने रहिए, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या सच में वॉर के मूड में आ चुका है अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन उन्हें अपना टारगेट नंबर एक मानता है। उन्होंने कहा कि दुश्मन का दूसरा टारगेट उनका परिवार है। पुतिन का दूसरा टारगेट जेलेंस्की का परिवार है क्योंकि जेलेंस्की की पत्नी भी जेलेंस्की के बाद राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकती है। और तीसरा टारगेट रुसलान स्टेफानचुक है। आपको बता दें कि यूक्रेन में राष्ट्रपति पद के ये प्रमुख दावेदार है और समय मिलते ही यूक्रेन का कार्यभार संभाल सकते हैं। पुतिन ये खेल बड़ी चालाकी से खेल रहे हैं ताकि तीनों टारगेट को उड़ा देने के बाद कोई ऐसा ना हो जो यूक्रेन पर अपना हक जमा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि चेचन्य रिपब्लिक के नेता और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव कुछ दिनों पहले अपनी सेना से मिलने आए थे। यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए बर्बर चेचन स्पेशल फोर्सेस की एक बड़ी टुकड़ी को कथित तौर पर मार गिराया है। डेली मेल ने यह जानकारी दी है। चेचन का यह सशस्त्र समूह अपनी बर्बर हिंसा और मानवाधिकारों के हनन के लिए कुख्यात है। 56 टैंकों के उनके काफिले को कीव के उत्तर पूर्व में होस्टोमेल के पास यूक्रेनी मिसाइलों ने उड़ा दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि यह स्पष्ट नहीं है ऐसे कितने सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या सैकड़ों में रहने की संभावना है। यूक्रेनी मिसाइल हमले में जिन लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है उनमें चेचन जनरल मेगोमेद तुसेव भी थे। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार वे 141वीं मोटराइज्ड नेशनल गार्ड ब्रिगेड के कमांडर थे। ये चेचन राज्य प्रमुख रमजान कादिरोव का विशेष दल माना जाता है। चेचन बलों का मारा जाना पुतिन के लिए बड़ा झटका है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार तुसेव को तस्वीरों में कादिरोव के साथ दिखाया गया था जो चेचन सरकार के लिए उनके महत्व को दर्शाता है। कादिरोव समलैंगिक पुरुषों को प्रताड़ित करने और मारने के लिए कुख्यात है। माना जाता है कि कादिरोव ने उनकी कथित मौत से एक दिन पहले यूक्रेनी जंगल में अपने स्क्वाड्रन का दौरा किया था। यूक्रेन मिसाइल हमले में इन लोगों को मारा जाना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने की योजना पर एक मनोवैज्ञानिक आघात है। डेली मेल ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को पकड़ने या मारने के लिए इस समूह को भेजा था। वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि इससे यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाने का जज्बा रखने वाले यूक्रेनी लोगों के दिल में एक जोरदार भय व्याप्त हो जाएगा। चेचन लड़ाकों को हंटर्स के नाम से जाना जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस दस्ते के हर एक सैनिक को वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारियों और कुछ सुरक्षा अधिकारियों की तस्वीरें दी गई थी जिनकी मॉस्को हत्या करवाना चाहता है। मीडिया के मुताबिक रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन में बदलाव लाना चाह रहा है। रूस यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को मिंस्क सत्ता में वापस लाना चाह रहा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यानुकोविच को यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में वोलोदिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। 2010 में यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए यानुकोविच ने एक लंबित यूरोपीय संघ समझौते को खारिज कर दिया था और वो रूसी ऋण और रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता था। उस वक्त यूक्रेन गृह युद्ध के कगार पर था क्योंकि फरवरी 2014 में प्रदर्शनकारियों और विशेष पुलिस बलों के बीच हिंसक झड़पों में कई मौतें और कई लोग घायल हुए थे। यानुकोविच ने दावा किया कि लंबी चर्चा के बाद उन्होंने विपक्ष के साथ समझौता किया था। हालांकि उस दिन बाद में उन्होंने राजधानी को खार्किव के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी कार पर गोली चलाई गई थी
जब वे कीव से बाहर क्रीमिया के बगल में यात्रा कर रहे थे। बाद में दक्षिणी रूस में निर्वाचन के लिए 24 फरवरी को उन्हें पद से हटा दिया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों अमेरिका ने भेज दिया है अपना परमाणु बॉम्बर। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को परमाणु धमकी दिए जाने के बाद अमेरिकी वायुसेना भी अलर्ट मोड पर चल रही है। अमेरिका ने तनाव के बीच यूक्रेन की सीमा के पास रोमानिया में अपने परमाणु बॉम्बर B-52 को उड़ाकर रूस को सख्त संदेश भेजा है। अमेरिका ने इस दौरान जर्मनी और रोमानिया की सेना का अभ्यास भी किया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इस अभ्यास के जरिए रूस के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया है। B-52 स्ट्रेटो फोर्टेस अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा रणनीतिक बॉम्बर है। इस बॉम्बर ने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। यूरोप में मौजूद अमेरिकी वायुसेना ने एक बयान जारी करके कहा कि बॉम्बर ने रोमानिया समेत नाटो के इलाकों में हवाई सहायता देने और एकीकृत मिशन को अंजाम देने के लिए यह अभ्यास किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रोमानिया के हवाई क्षेत्र में अभ्यास किए जाने से यह बॉम्बर नाटो देशों के आखिरी इलाके तक पहुंच गया जो यूक्रेन के हवाई इलाके से सटा हुआ है। दोनों देशों के बीच जारी जंग के दौरान रूस की वायुसेना यूक्रेन के हवाई इलाकों में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहती है। नाटो के एयर कमांड के अधिकारी जनरल जेफ हरिकियान ने कहा कि एक साथ प्रशिक्षण करने का उद्देश्य यह बताना था कि नाटो की प्रतिरक्षा करने की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि रूस के 200 भाड़े के सैनिक यूक्रेन में मारे गए हैं। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए रूस और ज्यादा घातक हथियार तैनात कर सकता है। कोल्ड वॉर के जमाने के अमेरिका के B-52 बमवर्षक विमान ने अपनी पहली उड़ान 1950 के दशक में भरी थी। इसके बाद बॉम्बर के कई अपग्रेडेड वर्जन आज भी अमेरिकी वायुसेना में बमबारी की कमान संभाले हुए हैं। इस बमवर्षक के विमान ने अपनी सटीक बमबारी से इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्धों में अपनी दमदार ताकत का लोहा मनवाया है। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,874 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यह विमान अपने एक हमले से किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह बॉम्बर परमाणु बम गिराने की ताकत रखता है, इसलिए इसकी महाविनाशक विमान में गणना होती है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश पर दानिलोव ने कहा कि हत्याकांड के साजिश के बारे में सूचना रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के सदस्यों ने यूक्रेन के अधिकारियों को दी थी। 24 फरवरी को यह मामला शुरू हुआ तब जेलेंस्की ने कहा था कि तोड़फोड़ करने वाला दस्ता उनकी और उनके परिवार की हत्या करने के लिए कीव में घुस चुका है। इसके पहले अमेरिका ने भी चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन के नेताओं की हत्या या उन्हें शिविरों में भेजने की लिस्ट बना रहा है। चेचन लड़ाकों को हंटर्स नाम से जाना जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस दस्ते के हर सैनिक को वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारियों और कुछ सुरक्षा अधिकारियों की तस्वीरें दी गई है जिनकी मॉस्को हत्या करवाना चाहता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।